लिटरेचर क्लासेज में टू वी आर गोइंग टू डिस्कस जोन बनियान आज की क्लास में फ्रेंड्स हम डिस्कस करेंगे जोन बनियान जो कि राइटर हैं और हैं और काफी बड़े हमारे क्या रहे हैं स्कॉलर रहे हैं और इनको क्या माना जाता है फादर ऑफ इंग्लिश नॉवल माना जाता है तो इस क्लास में गाइज हम डिटेल डिस्कस करेंगे जोन बनियान को क्योंकि गाइज जोन बनियान है उनका जो वर्क रहा है मास्टर वर्क रहा है हमारे इंग्लिश लिटरेचर में जो हर जगह जहाँ कहीं भी हमारा इंग्लिश लिटरेचर आता है वहाँ से काफी इंपोर्टेंस रखता है ठीक है तो मेरे साथ बने रहिए बिना किसी स्टार्ट है करते हैं जोन बनियान को सबसे पहले हम बात करेंगे कि इनकी बायोग्राफी इनकी लाइफ से रिलेटेड कुछ फैक्ट को हम डिस्कस करेंगे जो कि एग्जाम में आने की क्या रखते हैं एक्सपेक्टेशन रखते हैं तो गाइज मेरे साथ बने रहिए यहाँ हम बायोग्राफी देखते हैं बायोग्राफी बायोग्राफी ऑफ जॉन मिल्टन की सॉरी जॉन बनियान की बात करते हैं तो यहाँ पे इनका बर्थ हुआ था सिक्सटीन सिक्स ट्वेंटी एट में इनका बर्थ हुआ था और जो डेथ हुई थी वो 1688 में इनकी डेथ हुई थी तो गाइज ये जो शडूल रहता है ये टाइम पीरियड रहता है इनके लाइफ का वो रिलेट करता है या हम कहीं कंटम्प्रेरी माने जाते हैं जॉन मिल्टन के और इस टाइम पे जो टाइम पीरियड या हम कहें लिटरेचर में जो पीरियड चल रहा था वो था प्यूरिटन पीरियड और उसके बाद आया था हमारा रेस्टोरेशन पीरियड तो जॉन बनियान है वो प्यूरिटन पीरियड से बिलोंग करते हैं साथ ही साथ रेस्टोरेशन जो हमारा पीरियड है वहां से भी बिलोंग करते हैं ठीक है अब हम बात कर लेते हैं इनके कुछ अलग से फैक्ट हैं जो लाइफ से रिलेटेड हैं, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इन्होंने एज ए एज ए टिंकर के रूप में भी क्या किया है वर्क किया है टिंकर होता है बनाने वाला यहाँ अगर हम बात करें तो जो आजकल हम लुहार करते हैं वो कार्य ये करते थे इनके फादर का व्यवसाय यही था काफ़ी गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं हम देखते हैं कि कैसे एक गरीब घर गर का एक बच्चा है वो प्रोग्रेस करता है और काफ़ी बड़ा मुकाम हासिल करता है जो कि ढाई सौ साल के बाद भी उनको काफ़ी ज़्यादा याद किया जाता है ठीक है तो ये टिंकर के रूप में काम करते थे इनके फादर थे वो टिंकर ही थे अब अगर हम बात करें तो इन इन की टाइम पे सिविल वॉर भी हुई थी सिविल वॉर हुई थी सिविल वॉर का जो टाइम है वो 1642 सो से 1651 सो तक रहा है सिविल वॉर है वो तीन तीन पार्ट्स में लड़ी गई थी अब गाइज मैंने आपको सिविल वॉर के बारे में पहले भी बताया था जब हमने मिल्टन की क्लास ली थी तो सिविल वॉर थी वो एक वॉर थी पार्लियामेंट और पार्लियामेंट और या हम कहें एंड जो चार्ल्स फर्स्ट एंड सेकंड के बीच में ठीक है और यहाँ पे जो जीत होती है जो विक्ट्री मिलती है वो पार्लियामेंट को मिलती है तो गाइस हम देखते हैं कि इनको ये जो साइड में थे तो ये पार्लियामेंट के साइड में थे तो यहीं से इन्होंने जो फर्स्ट टाइम पे जब फर्स्ट टाइम पे सिविल वॉर हुई थी मीन्स सोलह सो से सोलह सो तक जो सिविल वॉर हुई थी उसमें गाइज ये क्या हुए थे आर्मी में भर्ती हुए थे इन्होंने आर्मी को ज्वाइन किया था क्या किया था ही ज्वाइंट आर्मी ही ज्वाइन आर्मी और आर्मी को ज्वाइन करके इन्होंने तीन साल यहां पे काम किया था ठीक है गाइज तो हम देखते हैं कि जो जॉन जो बनियान है उन्होंने एज ए एज ए सोल्जर के रूप में भी काम किया है तीन साल तक टिंकर रहे हैं ये बचपन से ही क्योंकि बचपन में ही इन्होंने काफ़ी गरीबी को देखा था और फिर इन्होंने अपने फादर के प्रोफेशन को भी अपना लिया था ठीक है और सिविल वॉर की अगर हम बात करें तो फर्स्ट सिविल वॉर है ये सेकंड सिविल वॉर है 1648 टू तो 1649 तक और जो थर्ड सिविल वॉर है 1649 नाइन टू 1651 फिफ्टी वन तक तीन बार सिविल वॉर है वो लड़ी गई है किस किस के बीच में पार्लियामेंट और चार्ल्स वन के बीच में या हम कहें पार्लियामेंट और चार्ल्स सेकंड के बीच में ठीक है गाइज अब हम देखते हैं कि सोलह में सोलह में जैसे ही चार्ल्स सेकंड गद्दी पे बैठते हैं चार्ल्स सेकेंड का रेन आता है गद्दी पे बैठते हैं तो वो जोन बनियान है उनको क्या करवा देते हैं अरेस्ट करवा देते हैं और जेल में डाल देते हैं प्रिजन में डाल देते हैं बारह साल को इनकी सजा दी जाती है किन को दी जाती है जोन बनियान को और वहीं पर इन्होंने अपने मास्टर वर्क है जो कि पिलग्रिम्स प्रोग्रेस उसको लिखा था तो काफ़ी काफ़ी इंटरेस्टिंग हमारे राइटर और ऑथर रहे हैं काफ़ी इम्पोर्टेंट भी हैं तो गाइज इन्होंने काफ़ी अपने लाइफ का जो समय था वो जेल में बिताया था और उसी टाइम पे इन्होंने अपना अपने अच्छे अच्छे मास्टर वर्क को लिखा था तो आई होप सो गाइज ये जो इनकी बायोग्राफी से रिलेटेड फैक्ट हैं वो आपको समझ में आ गए होंगे अब हम डिस्कस करेंगे इनके जो इम्पोर्टेंट वर्क रहते हैं उनको हम डिस्कस करेंगे फिर हम बात करेंगे जो प... पिलग्रेम्स प्रोग्रेस है उसको हम डिटेल एक्सप्लेन एक्सप्लेन करेंगे उनके जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं साथ ही साथ उनके जो इम्पोर्टेंट करैक्टर हैं थीम है उसको हम डिस्कस करेंगे तो मेरे साथ बने रहिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हमारी क्लास होने वाली है तो मैं थोड़ा सा रब कर देती हूँ यहाँ हम इनके जितने भी फैक्ट बनते हैं इम्पोर्टेंट जो एग्जाम के विषय काफी इंपॉर्टेंट है उनको हम डिस्कस करेंगे अब फ्रेंड्स हम देखते हैं कि जॉन बनियान है उनको क्या माना जाता है द फादर ऑफ इंग्लिश नोवल दी फादर ऑफ इंग्लिश नॉवल माना जाता है जॉन बनियान को और सबसे पहले इनको ये टाइटल किसने दिया था रूडियार्ड रूडियार्ड किपलिंग को रूडियार किपलिंग ने इनको क्या कहा था फादर ऑफ इंग्लिश नावल और जो पिलग्रिम्स प्रोग्रेस है उसको क्या माना जाता है फर्स्ट नावल ऑफ इंग्लिश लिटरेचर ठीक है किसको माना जाता है दी पिलग्रिम्स ऑफ दिलग्रिम्स प्रोग्रेस पिलग्रिम्स प्रोग्रेस है उसको क्या माना जाता है फर्स्ट नोवल माना जाता है इंग्लिश लिटरेचर में जो कि 1678 में पब्लिश हुआ था मिस गाइज ये जो वर्क है पिलग्रेम्स प्रोग्रेस वो टू बुक में पब्लिश हुआ है कितनी बुक्स में टू बुक्स में पब्लिश हुआ है और जो फर्स्ट बुक है वो 1678 में और जो सेकंड बुक है वो 1686 में पब्लिश हुई है तो इस तरह हम देखते हैं कि दो बुक में ये पब्लिश करवाया गया था ठीक है गाइज़ और ये जो वर्क इन्होंने लिखना स्टार्ट किया था वो प्रिजन में लिखना शुरू किया था जेल में इन्होंने ये वर्क है वो लिखना शुरू किया था ठीक है गाइज और ये वर्क अगर हम स्टार्टिंग की बात करें तो सोलह सौ से सोलह सौ के बीच में लिखा गया था ठीक है गाइज तो ये हमारे फैक्ट हैं जो इंपॉर्टेंट रहते हैं अब हम चलेंगे इनके अदर इम्पोर्टेंट वर्क के ऊपर और पिलग्रिम्स प्रोग्रेस है उसको भी हम डिस्कस करेंगे लास्ट में ठीक है जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं उनको हम वन बाई वन डिस्कस करेंगे तो मैं यहाँ पे इनके वर्क हैं उनको लिख देती हूँ इन्होंने अपनी एक ऑटोबायोग्राफी भी लिखी थी जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने कुछ वर्क इनके इम्पोर्टेंट हैं उनको हमने राइट डाउन किया है तो सबसे पहले हम देखते हैं ग्रेस अबाउंडिंग टू दी चीफ ऑफ सीनर्स ये इनकी ऑटोबायोग्राफी है गाइस इसमें इन्होंने जो सीन्स हैं या सीनर्स हैं उनके बारे में जो पापी हैं आज की दुनिया में जो सीन करते हैं उनके बारे में लिखा है साथ ही साथ इन्होंने वो बाइबल जो इनका क्रिश्चियनिटी है उस पर जोर दिया है और बाइबल को इन्होंने काफ़ी ज़्यादा फॉलो किया है तो इन्होंने अपनी लाइफ के कुछ फैक्ट इसमें भी इंक्लूड किया है तो गाइज ये पब्लिश हुई है इनकी जो ऑटोबायोग्राफी है ये जो ऑटोबायोग्राफी है इस टाइटल से लिखी गई है ग्रेस अबाउंडिंग टू दी चीफ ऑफ सीनर पब्लिश इन 1666 में पब्लिश हुई है नाउ नेक्स्ट इज द होली सिटी होली सिटी है वो जेरूशलम के लिए ऊपर लिखी गई एक वर्क है या हम कहीं कोई भी जो फिक्सनल वर्क है वो इन्होंने लिखा है जो जेरूशलम है उसके ऊपर और कब पब्लिश हुआ है 1666 में ये पब्लिश हुआ है ए कन्फेशन टू माय फेथ इट इज़ वो मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्क और शो हिज बिब्लिकल या हम कहें क्रिश्चनिटी और इसमें गाइज इन्होंने जो बाइबल है उसी को बेस बनाकर अपना वर्क लिखा है पब्लिश इन सिक्सटीन The लाइफ एंड डेथ ऑफ मिस्टर बैड बैडमैन ये गाय जो वर्क है ये एक सरमन है ठीक है इन्होंने काफ़ी ज़्यादा सरमन लिखे हैं काफ़ी ज़्यादा इन्होंने टाइटल दिए हैं अपने अलग अलग वर्क को अलग अलग टाइटल दिए हैं और ये एक सरमन है, है, है वो लिखा है इन्होंने 1680. एटी दी होली सिटी होली सिटी है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर होली सिटी नहीं आएगा होली वोर आएगा जो वॉर थी सिविल वोर थी उसके ऊपर लिखी गई एक. वर्क है ठीक है गाइस 1682 में ये पब्लिश करवाया गया है लास्ट रहता है हमारा दी पिलग्रीन्स प्रोग्रेस पब्लिश इन 1678 और गाइस ये पब्लिश हुआ है काफ़ी टाइम दो टाइम ये पब्लिश हुआ है और लगभग 1300 लैंग्वेज में 1300 लैंग्वेज में ये वर्क है वो क्या हुआ है ट्रांसलेट हुआ है ठीक है इसको तेरह से भी ज़्यादा भाषाओं में इसको क्या किया गया है ट्रांसलेट किया गया है गाइज दी पिलग्रेम्स प्रोग्रेस को अब गाइज हम चलेंगे इसकी वाइडली इस थीम को इस जो हमारा नोवल है इसको हम डिस्कस करेंगे यहीं पे मेरे साथ बने रहिए मैं थोड़ा सर्व कर देती हूँ फिर यहाँ जो पिलग्रेम्स प्रोग्रेस है उसकी थीम को हम डिटेल डिस्कस करेंगे ठीक है इसके इम्पोर्टेंट जितने भी हमारे करैक्टर हैं उनको साथ लेके चलेंगे और थीम को भी डिस्कस करेंगी तो गाइज हम देखते हैं जो पिलग्रीम्स प्रोग्रेस है मैंने पहले भी बता दिया है प्रोग्रेस है वो टू बुक्स में पब्लिश करवाया गया है ठीक है गाइज और ये इन्होंने कब लिखना शुरू किया है जो इनकी ऑटोबायोग्राफी है उसको भी इन्होंने जेल में ही लिखना शुरू किया था साथ ही साथ अगर हम देखें तो फिलग्रेम्स प्रोग्रेस है उसको भी इन्होंने प्रिजन में ही लिखना शुरू किया था गाइज ठीक है गाइज जब इनको तीन महीने की सजा दी गई थी लेकिन ड्यू टू हिज वर्क इन्होंने काफी ज्यादा चर्च को क्या किया था स्पोर्ट yeah, किया था तो फिर यहाँ चार्ल्स सेकेंड के द्वारा इनकी जो सजा थी इनकी जो पनिशमेंट थी उसको बढ़ा दिया गया था और 12 साल की सजा दी गई थी फिर इन्होंने अपने वर्क को टू बुक्स में कंप्लीट किया था दी प्रोग्रेस को ठीक है गाइज तो यहाँ कुछ इम्पोर्टेंट करैक्टर्स हैं उनको मैं लिख देती हूँ करेक्टर्स क्रिश्चन ये मेन हमारा करैक्टर रहता है सेंट्रल करेक्टर रहता है ये पिलग्रेम्स प्रोग्रेस का दूसरा है हमारा Obstinate। ये दूसरा करेक्टर है फिर है हमारा पिलाइबल थर्ड करेक्टर फिर है हमारा हेल्प कई बार करेक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन है वो पूछ लिए जाते हैं हेल्प फिर है फेथफुल फेथफुल हमारा करेक्टर है फिर है यहां इवेंजिलिस्ट ठीक है ये करैक्टर है ये इसको मोटिवेट करता है जो हम देखते हैं कि मोक्ष के लिए स्वर्ग के लिए ये इनको मोटिवेट करता है कि कहाँ तू तो इस पाप की दुनिया में वो करता चलता फिरता है तुझे कहाँ जाना चाहिए स्वर्ग में जाना चाहिए हेवन में जाना चाहिए तो ये इसको गाइड करता है क्रिश्चियन को और क्रिश्चियन है वो इसका क्या है इंपॉर्टेंट क्रैक्टर है ठीक है गाइज अब कुछ और भी करेक्टर हैं उनको भी मैं डाउन कर देती हूं मिस्टर लीगेलिटी ठीक है मिस्टर वर्ल्ड वाइज मैन ठीक है अपोलियन ठीक है फिर उसके बाद इग्नोरेंस इथिक थिस्ट ठीक है तो गाइस ये कुछ कैरेक्टर रहते हैं इस हमारे जो पिलग्रिम्स प्रोग्रेस है उसमें तो इन कैरेक्टर्स के नाम आपको लर्न होने चाहिए क्योंकि कैरेक्टर्स से भी काफी टाइम क्वेश्चंस हैं वो पूछे जाते हैं तो अब हम चलेंगे इसकी स्टोरी के ऊपर कि इसकी समरी है वो क्या है तो फ्रेंड्स हम देखते हैं कि क्रिस्टियन है वो मेन कैरेक्टर रहता है पिलग्रिम्स प्रोग्रेस का और हम देखते हैं क्रिश्चन है उसकी पीठ के ऊपर काफ़ी ज़्यादा लगेज है सामान है और उसके हाथ में गाइज क्या है एक बाइबल की बुक है क्या है बाइबल की बुक है और जैसे ही वो रस्ते से गुजर रहा होता है तो उसको कौन मिलता है इवेंगलिस्ट मिलता है कौन मिलता है इवेंगलिस्ट मिलता है और वो उसको गाइड करता है उसको मोटिवेट करता है कि इस पापी वर्ल्ड में इस संसार में डिस्ट्रक्शन के वर्ल्ड में तो घूमता फिरता है तेरे को कहाँ जाना चाहिए स्लेंसील जाना चाहिए स्लेसियल जाना चाहिए ठीक है तो एक यहाँ जो जर्नी शो की गई है ये पिलग्रेम्स की जर्नी शो की गई है वो वर्ल्ड ऑफ डिस्ट्रक्शन से लेकर जो तो हम कहें तो जो सिटी ऑफ डिस्ट्रक्शन है वहाँ से लेकर कहाँ तक की है सिटी ऑफ स्ले सिटी ऑफ स्ले तक की जर्नी को शो किया है और इवेंग इवेंगलिस्ट है इन्होंने इसको क्या क्या है मोटिवेट किया है तो हम देखते हैं कि ये बंदा है ये इसकी बात मान के अपने बीवी बच्चों को छोड़ के ये रस्ते से गुजर रहा होता है तो उसको कौन मिलता है ओब्स्टिनेट ये सारे जो करैक्टर हैं वो वाइज फिक्सनल क्रैक्टर हैं ओब्स्टिनेट की अगर हम बात करें तो जिद होता है क्या होता है जिद होता है तो इसको रस्ते में ये मिलता है तो ये इसको कहता है भाई तू मेरे साथ चल तो ये मना कर देता है ऑब्स्टिनेट कि नहीं भाई मैं नहीं जाऊंगा इस संसार को छोड़ के तो फिर पिलायल होता है ठीक है होता है तो वो इसके साथ चलने के लिए तैयार हो जाता है लेकिन रास्ते में जब मुसीबत आती है जब वो गड्ढे में गिर जाते हैं तो पिलाएबल भी इसका साथ छोड़ देता है तो हेल्प आके इसकी हेल्प करता है वहां से निकालता है और फिर ये अपने टारगेट की ओर बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि ऐसे ही वो गुजर रहा होता है तो ऐसे पार करता हुआ ब्यूटीफुल सिटी को छोड़ता हुआ या हम कहें कई जगह आते हैं जिनको जिनको वो क्रॉस करता है ठीक है गाइज तो आगे हम देखते हैं कि उनको ये मिलता है जो मिस्टर लिगेलिटी है वो मिलता है वर्ल्ड द मिस्टर वर्ल्ड्स वाइज मैन उसको मिलता है ये अपनी सलाह देता है और इसके डायरेक्शन है उसको भटका देता है क्योंकि ये जो इविंगलिस्ट है उसके डायरेक्शन पे जा रहा होता है लेकिन ये इसको मिलता है तो ये इसको दूसरा रास्ता बता देता है ठीक है दूसरा रास्ता बता देता है तो वहाँ पे कौन मिलता है अपोलियन में इसको मिलता है अपोलियन है वो जो ब्यूटीफुल सिटी थी जहाँ पे वो भटक के पहुँचता है उसका क्या होता है गोड होता है ठीक है और गोड होता है तो क्रिश्चियन और अपोलियन के बीच में क्या होता है वो होती है युद्ध होता है जिसमें ये घायल हो जाता है जो गोड है अपोलियन ठीक है और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पिलग्रेम्स थे जो इस सिटी थी ब्यूटीफुल सिटी थी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा क्या थे पिलग्रेम्स थे ठीक है तो ये कैसे ऐसे कैसे बच निकल के इस सिटी से निकलता है और आगे जाता है तो इसको कौन मिलता है इथिस्ट और एथिस्ट और इग्नोरेंस मिलता है तो इथिस्ट फिर इसको मना कर देता है साथ चलने के लिए लेकिन इग्नोरेंस है वो आगे चलता है इसके साथ चलता है इग्नोरेंस और गेट होता है जो सिलेशियन का ठीक है वहाँ तक दोनों पहुँचते हैं ठीक है इग्नोरेंस इसके साथ पहुँचता है गेट तक जो सिलेंसियन सिटी ऑफ हेवन है वहाँ तक पहुँचता है तो ये उस गेट में एंट्री नहीं कर पाता क्योंकि इसके पास क्या नहीं है पासपोर्ट नहीं है बाइबल की किताब नहीं है हम कहें तो या हम कहें पासपोर्ट था उस सिटी का वो नहीं है बाइबल की किताब तो इसको इसकी यहाँ गुम हो जाती है भाई ये बाइबल की किताब थी इसके हाथ में वो अपोलियन से युद्ध करते टाइम इसकी मिस हो जाती है ठीक है क्योंकि ये बेल्ट बांधे हुए था वो बेल्ट टूट जाती है और वहाँ पे इसकी बुक है वो मिस हो जाती है तो हम देखते हैं कि लास्ट में जैसे तैसे युद्ध करता हुआ जो ऑब्स्टेकल है उनको पार करता हुआ सिटी ऑफ सिलेशियन पहुंच जाता है कहाँ पहुंच जाता है सिटी ऑफ दी सिटी ऑफ सिलेशियन पहुंच जा जाता है ठीक है कहाँ से चलता है सिटी ऑफ डिस्ट्रेक्शन ये जर्नी है पूरी सिटी ऑफ डिस्ट्रक्शन से लेकर सिटी ऑफ स्लेशियल तक ये हमारी जर्नी को शो किया गया है पिलग्रिम्स की जर्नी को शो किया गया है और यहाँ आने के बाद इसको काफ़ी ज़्यादा बंदे मिलते हैं तो गाइज ये फर्स्ट बुक है जिसमें इस स्टोरी को कंडक्ट किया गया है अब हम देखते हैं कि जो फर्स्ट बुक है पिलग्रिम्स प्रोग्रेस की जो पहली बुक है उसमें जो स्टोरी दिखाई गई है क्रिश्चियन की स्टोरी दिखाई गई है ठीक है गाइज और जो सेकंड बुक होती है जो सेकंड बुक होती है उसमें जो इसकी वाइफ होती है और क्रिश्चियन की वाइफ होती है और चिल्ड्रन होते हैं ठीक है तो उनकी स्टोरी को दिखाया गया है कि कैसे वे भी कहाँ पहुँचते हैं सिटी ऑफ सिलेशियल पहुँचते हैं तो गाइज ये मैंने बहुत थोड़े समय में बहुत थोड़े टाइम में आपको ये समरी मैंने करवाई है आई होप सो काफ़ी बेनिफिशियल रहेगी और आपको समझ भी आएगी आ गई होगी क्योंकि मेन मोटिव है हमारा वो है समझने का नए कि रट्टा लगाने का ये यह यहाँ जो थीम दिखाई गई है बिब्लिकल थीम दिखाई गई है कि कैसे एक बंदा है वो सांसारिक वर्ल्ड को छोड़कर कर कहाँ जाता है हवन में जाता है स्वर्ग में जाता है तो इस सारे प्रोग्रेस या हम कहें प्रोसेस को यहाँ पे दिखाया गया है ये सारे करेक्टर हैं जो आपको लर्न होने चाहिए मैंने आपको वैसे ही बताया है बिल्कुल ईजी वे में ठीक है गाइज और आई होप सो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगी और इसी के साथ जो हमारा जोन बनियान से रिलेटेड जो आज का लेक्चर था वो कम्प्लीट हुआ आई होप सो इज आपको समझ भी आ गया होगा और इसी के साथ हैवे गुड डे एंड बेस्ट ऑफ लक